गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विवेक वर्मा है और आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की दूसरी क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस मॉडलिंग। सिंपल सा थिंग है, हम इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ का एग्जांपल मैं लेता हूँ। इसको डेटाबेस मॉडलिंग होता क्या है इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम घर बनाते हैं तो हम घर किसके थ्रू बनवाते हैं, या तो इंजीनियर के थ्रू या तो ठेकेदार के थ्रू, है ना? ठीक है, सबका अलग अलग रोल है। जैसे मुझे घर बनवाना है तो मैं क्या सोचूंगा, सबसे पहले तो मुझे कैसा घर बनवाना है, क्या घर बनवाना है, ये मेरे दिमाग पे रहेगा, है ना? मुझे कितने स्क्वायर फीट में घर बनवाना है, कितना जगह खाली छोड़ना है, ये सब मेरे दिमाग में रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने दिमाग में उसका एक रॉ स्ट्रक्चर तैयार करूँगा, मेरे दिमाग में रहेगा। वो मैं किसको बताऊँगा, इंजीनियर को बताऊँगा। तो इंजीनियर मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या तैयार करेगा, प्लान व्यू तैयार करेगा, उसी को बोलते हैं ब्लूप्रिंट, है ना? इंजीनियर क्या करेगा, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान व्यू तैयार करेगा, है ना? प्लान व्यू तैयार करेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, इंजीनियर ठेकेदार को या मिस्त्री को क्या बोलेगा कि ये प्लान व्यू है, इसके हिसाब से इस पर्टिकुलर प्लॉट में ये हमको कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, हमारा फाइनल जो होगा रिजल्ट, हमारा जो घर है वो बन के तैयार होगा, ये फाइनल होगा, है ना? उसी तरह क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर किसी फर्म को या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर डेटाबेस डिज़ाइन करवाना है या करना है, तो सबसे पहले उसका रॉ व्यू, है ना, कि मुझे किसका डेटाबेस डिज़ाइन करवाना है, है ना, वो किसको बताएगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियर या फिर डेटाबेस डिज़ाइनर को बताएगा। डेटाबेस डिज़ाइनर क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, है ना? इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर वो लोग क्या है, जिसके लिए भी डेटाबेस डिज़ाइन करना है, डेटाबेस क्या करना है, डिज़ाइन करना है या फिर डेटाबेस बनाना है, उनसे वो उनका रिक्वायरमेंट पूछते हैं। ये रिक्वायरमेंट फेस के बाद उन्होंने वो क्या डिज़ाइन करते हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग डिज़ाइन करते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग उसका कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा, है ना, वो डिज़ाइन करते हैं। ये किसके थ्रू होता है, ईयर मॉडलिंग के थ्रू होता है, ठीक है? ईयर मॉडलिंग जब रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर लेते हैं कि हमको यही चाहिए फाइनली, है ना, उसके बाद होता है जो डिज़ाइनर होता है, डेटाबेस डिज़ाइनर, वो डिज़ाइन करता है उसका रिप्रेजेंटेशनल मॉडल या इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल, ठीक है? तो फिर मीन दैट वो डेटाबेस हमारे पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया में कैसा दिखेगा, ये डिज़ाइन करते हैं किसके थ्रू, रिलेशनल मॉडल के थ्रू। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इम्प्लीमेंटेशनल व्यू होता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशनल व्यू, ठीक है। एंड फाइनली लो लेवल और फिजिकल मॉडलिंग, इस पे डेटाबेस बन के तैयार हो जाता है, ये हमारा रिजल्ट दिखाता है, ठीक है? समझ में आया? क्या है, ईयर मॉडलिंग, रिलेशनल मॉडलिंग एंड फिजिकल मॉडलिंग, ये हमारे तीन तरह के मॉडलिंग होते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, रिलेशनल मॉडलिंग, सॉरी ईयर मॉडलिंग से। ठीक है, ईयर मॉडलिंग का फुल फॉर्म तो होता है
is what? It is entity relationship model. It is nothing but what? It is nothing but graphical representation. It is nothing but graphical representation of database. It is nothing but graphical representation. ठीक है, इट इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि ईयर मॉडल में बेसिकली होता क्या है। ईयर मॉडल में होता है एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड देन रिलेशनशिप, है ना। इसको हम शो करते हैं ग्राफिकल मॉडल के थ्रू, ठीक है। तो एंटिटी क्या है? इट इज़ अ रियल वर्ड थिंग विच कैन बी रिकॉर्डेड इन वेरी सिंपल मैनर। मीन दैट कोई भी ऐसे रियल वर्ड थिंग जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एंटिटी। लाइक दिस इज अ पेन, पेन इज एंटिटी। एग्जांपल लेता हूँ, पेन, पेन इज व्हाट? एंटिटी। देन एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज इज नोन एज एट्रीब्यूट्स। मीन दैट पेन का कलर क्या है? पेन का कलर हो गया एक, पेन का ब्रांड हो गया, है ना। पेन का कलर, पेन का ब्रांड, फिर पेन का टाइप हो गया, जेल है कि बॉल पेन है, ठीक है। ये सब क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं, है ना। और रिलेशनशिप, एसोसिएशन, इट इज आल्सो नोन एज एसोसिएशन। एसोसिएशन अमंग व्हाट? एसोसिएशन अमंग एंटिटीज। इज नोन एज रिलेशनशिप, ठीक है। एसोसिएशन अमंग एंटिटीज इज नोन एज रिलेशनशिप। मीन दैट हमारे पास में दो एंटिटीज हैं, क्या है? पहला एंटिटी है क्या? स्टूडेंट है। दूसरा है डिपार्टमेंट है, ठीक है। स्टूडेंट है और डिपार्टमेंट है, ठीक है। रेक्टेंगल बॉक्स शो करते हैं हम किसको? एंटिटी को। ये मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट मस्ट ज्वाइन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, एनी वन ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगा, है ना, ठीक है। तो हम इसके बीच में क्या करते हैं? एक रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है? ज्वाइन। ये है वो एग्जांपल इसका, ठीक है। आगे और बताऊंगा मैं रिलेशनशिप के टाइप में, ठीक है।